नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 24 अगस्त को ये पता चल जाएगा कि यहाँ से कब से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत होगी। वहीं ATC और रनवे का कार्य पूरा हो चुका है। बिल्डिंग को एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपने के साथ ही उड़ानों के संचालन का रास्ता भी साफ हो गया है। केंद्रीय उड़ान मंत्री 24 अगस्त को जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद ही उड़ान संचालन की डेट निर्धारित की जाएगी। इस बारे में नयाल के CEO अरुणवीर सिंह ने हमारे संवाददाता कैलाश चंद को बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्य अब फाइनल टच की स्थिति में है। रनवे और ATC बिल्डिंग को भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया गया है। अब केवल टर्मिनल बिल्डिंग में युद्ध स्तर पर विशेष कार्य हो रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य समाप्त होते ही यहां से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि संभावना है कि दिसंबर से यात्रियों को यहां से सुविधाएं मिलना आरंभ हो जाएगा। देखिए, ATC का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी करती है और वहाँ पर जो है इक्विपमेंट भी वही लगाती है, जो रडार होते हैं, जो डिफरेंट प्रकार के उपकरण होते हैं, जो नेविगेशन इक्विपमेंट्स होते हैं, सारा का सारा इंस्टॉलेशन जो है AI करती है और वही उसको ऑपरेट भी करती है। और AI को पूरा हैंडओवर कर दिया गया। अब वो अपने नेविगेशन इक्विपमेंट और रडार सिस्टम सब लगा रहे हैं, सब जगह फिट कर रहे हैं और अगले 30 दिनों में ये पूरा काम कर लेंगे। उसके बाद इसके ट्रायल शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा रनवे का काम भी पूरा हो गया, रनवे तैयार है। और जैसा मैंने पहले बताया था, फर्जिन जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मटेरियल है उसका भी काफ़ी प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो हमारा टर्मिनल बिल्डिंग का जो ऊपर के कवर लगने थे और जो छत का काम रुका हुआ था वो भी समय से पूरा हो जाएगा और दिसंबर में निश्चित तौर से यहाँ पर कुछ न कुछ ट्रायल उड़ाने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने आगे बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की स्थापना के बाद अब एयरपोर्ट अथॉरिटी रडार लगाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। अगले 30 दिनों में रडार इंस्टॉलेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा। यह रडार सिस्टम एयरपोर्ट के हवाई यातायात की निगरानी और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे एयरपोर्ट का संचालन और सुरक्षित हो जाएगा। टर्मिनल बिल्डिंग का भी 90% काम पूरा हो चुका है, बाकी का कार्य भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। सितंबर से अंतिम दिनों में टर्मिनल का ट्रायल शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ट्रायल के दौरान यात्री सेवाओं, सुरक्षा प्रणाली, बैगेज हैंडलिंग और अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रणालियों का परीक्षण किया जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण से क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति और बढ़ने की उम्मीद है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और यात्री सुविधाओं में भी व्यापक सुधार होगा। जो है नागरिक उड्डयन मंत्री जी 10 बजे जेवर एयरपोर्ट का इंस्पेक्शन करेंगे और साथ ही साथ जो है वो यहाँ 24 अगस्त को इंस्पेक्शन करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो चीजें अब तक हो गई है उनका मूल्यांकन करेंगे, क्या क्या और कंप्लायंसेज होने हैं, कितने और NOC पानी है और कितना जल्दी से एयरपोर्ट का संचालन शुरू होगा, इस पे बैठक करेंगे। उसके बाद संबंधित सभी विभाग के लोग भी वहां रहेंगे, ये समीक्षा की जाएगी और एयरपोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्य योजना तय की जाएगी। तो 24 तारीख की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, CEO यापल इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और 24 अगस्त को ये 10 बजे इंस्पेक्शन होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।